पूर्वांचल बैंक अधिकारी संगठन के सदस्य अपने द्विवार्षिक अधिवेशन को विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। द्विवार्षिक अधिवेशन के अवसर पर संगठन द्वारा शनिवार को तारामंडल रोड स्थित एक मैरिज हॉल में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, संगठन के अध्यक्ष अरविंद सिंह, अनंत योगी, डीके राय सहित संगठन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वांचल बैंक लंबे समय से निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इससे बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ कमियों को दूर करने की जरूरत है, जिसे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला की पहल से ही समाप्त किया जा सकता है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बैंक कर्मचारियों का प्रमुख योगदान रहा है, जिसको लेकर उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने बैंक कर्मचारियों की समस्याओं को सुनकर जल्द ही उसका निस्तारण करने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों से जनता और बैंक कर्मचारियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की बात कही। बोर्ड के पूर्व सम्मानित सदस्य राशि पदाधिकारी पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच सुशोभित है और उनके राज्य से न सिर्फ हम गौरवान्वित है बल्कि हमें प्रतिनिधियों का तथा हाल में उपस्थित हम अपने सभी साथियों का बहुत बड़ा संकट है। और हर साल बैंक प्रबंधन इसमें चुनाव का माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से प्रत्येक वर्ष सभी साथियों का हम अपने प्रतिनिधियों सहित हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन मंत्री हैं और हम सब लोग इसको मैं अपॉर्चुनिटी ही कहूँगा गोरखपुर के लोगों के लिए कि जिनको चाहे वो क्यों नहीं कोऑपरेटिव बैंक हो, जिनकी अध्यक्षता में आज भारत का पूरा बैंकिंग उद्योग है वो हमारे शहर के हैं और हमारे इतिहास में तो नहीं जाऊँगा लेकिन आज जो हमारे बैंक की स्थिति है, हम सर 11 जिलों में 598 ब्रांचों से हम सेवा कर रहे हैं। आज करीब 2496 कर्मचारी हमारे यहाँ पर हैं, 896 कर्मचारी हमारे रिटायर हो गए हैं, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। इससे पिछले 3 वर्षों में 6000 करोड़ की वृद्धि हुई है। मैं इसका श्रेय अपने परिवार के सदस्यों को देता हूँ, चाहे कि किसी भी कैटेगरी पर कार्य कर रहे हों। इसमें 11300 के लगभग हमारा जमा है और 4000 करोड़ का हमारा एडवांस है। इसके बावजूद कि हमने 48 करोड़ जो कि 20 लाख का दृष्टि होना था, 48 करोड़ रुपए हमने उसमें जमा किए और आज हम उसपे जितने भी रिक्वायरमेंट का 100% होने के बाद हमने अपने बैड एंड डाउटफुल टैक्स में 80 करोड़ का प्रावधान करने के बाद हमने 30 करोड़ का अपना लाभ अर्जित किया है। जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके इसलिए भी एहसानमंद है, पिछले 4 सालों से इस देश का प्रधानमंत्री देश को बदलने के जो जो सपने जमीनी आधार पर साकार करने का प्रयास कर रहा है, उन सारे सपनों की जड़ में अगर कोई है तो बैंक और बैंक में काम करने वाले कर्मचारी। जब मान की प्रधानमंत्री पहली बार बने
और जनधन योजना शुरू हुई, किसी ने कल्पना नहीं किया था 35 करोड़ परिवार जिनकी बैंक पहुंच नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री ने वो व्यवस्था बनाई और आपके लोगों ने ईमानदारी के साथ उसको लागू किया। हम गर्व के साथ कह सकते हैं आज 35 करोड़ लोग 83,000 करोड़ रुपया आपके बैंकों में जमा कर चुके हैं और आज हम 435 योजनाएं, छोटी मोटी योजनाएं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले उनकी संख्या गिनती नहीं हुआ करती थी 29 या 30 में, आज 435 योजनाएं ऐसी हैं जिन्हें हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भ्रष्टाचार नहीं करके सीधे सीधे देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर यह हो गया है तो आप इन सारे ढेर सारे और आपके लाखों देश के कर्मियों को बैठ कर्मियों को माध्यम से हो पाया, इसलिए इस मंच पर हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। अभी डॉक्टर राधामोहन दास जी ने एक विषय उठाया, शर्मा जी हमारे डॉक्टर मिलते, मैंने ये कहा कि शर्मा जी जब तक किसी रिपोर्ट नहीं ले जाती है मैं यहाँ से कुछ असर उस पर कह नहीं सकता, आने के बाद निश्चित रूप से उनको पूरी स्वीकार किया कि हाँ तब तक नहीं बातें हो सकती है तो उस पर भी बात करूँगा। वैश्विक वित्तराज मंत्री मुझे इतना कहना था, मैंने कहा अब से आप लोगों के सहयोगी और सुपरिचित होने के नाते मैं कह रहा हूं, जो बातें मैं कह रहा हूं उसको सिर्फ आप ही महसूस कर रहे हैं। आपको ध्यान है जब एनडीए की सरकार आई तो बैंकों का एनपीए 4.5 लाख करोड़ रुपए का था, आज वो बढ़कर के 14 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। तो यह नहीं है कि वह एनडीए के समय में हुआ है, यह है कि कहीं न कहीं बैंकों ने छुपा करके रखा था जब एनडीए की सरकार और रिजर्व बैंक ने उस पर क्वेरी शुरू किया है तो जितना छुपा हुआ था तब सामने आ गया है, यह अच्छी बात नहीं थी। आपका अपना भी जो एनपीए था वो पहले 4% का था, आज वो 16-17% का हो चुका है। डॉक्टर साहब ये संबोधन में कह रहे थे ये सही है कि हम लोगों व्यक्तिगत तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बैंकों को ऑटोनोमस करने का काम किया है, देश के हित के लिए काम हम भी कर रहे हैं आपको भी कर रहे। हाँ नीरव मोदी कुछ करके चला जाता है तो कुछ लोग ये बात कहते हैं वो कोई पेड़ के लिए नहीं है तो वो कोई बैंकिंग सेक्टर के लिए है। विपक्ष भले ही इस बात को कहे कि नीरव मोदी जो चला गया मैं उस समय मुझे ध्यान है कि मैं उस समय जबलपुर में था, चैनल्स के माध्यम से सरकार और पार्टी के बीच मेरी ही आई थी और उसके बाद पूरी गवर्नमेंट और पूरी पार्टी उसी लाइन को लेकर चली, क्योंकि विपक्ष ने सीधे सीधे प्रहार किया था, हमने कोई बचाव अपना नहीं लिया। मैंने केवल एक शब्द कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई थी और नीरव मोदी का भी प्रकरण 2014 के पूर्व का है,
इसमें कहीं भी नरेंद्र मोदी इस बात के लिए और उनकी सरकार इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं है किया। हाँ ये जरूर है कि दूसरों का जो पाप था वो धीरे धीरे उजागर होते हुए हमारे लिए पहाड़ की तरह से खड़ा हो गया, हम उसको साफ करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात रही कि पूरी पार्टी ने इस लाइन को लेकर के इसको किया। आज कभी भले ही उस समय जब हम सब लोग विद्यार्थी थे तभी ग्रामीण बैंक का पूजा चला था, ग्रामीण बैंक खुला बड़ी तेजी के साथ लोग उससे जुड़े और उस समय आसान था कि ग्रामीण बैंक में लोग नौकरी पा जाते थे, बाकी तो भी कठिन हो गए। लेकिन आज उसका भविष्य भी पूरी तौर पर सुरक्षित है। लेकिन आदमी के स्लाइड बैंक और ग्रामीण बैंकों के बीच अंतर है, और इस पर चर्चा लगा पूरी तौर पर चल रही है कि कैसे इसको पैरिटी डाली जाए। और यही है कि कभी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए व्यक्ति बड़े गर्व के साथ कहते थे कि मैं बैंक कर्मी हूं, आखिर करते थे तो शाम को जाकर के रसीद लेते चले आते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही हर जगह बदलाव आया तो यहां भी बदलाव कर्मी हूं। आज शायद अपने को उस स्थिति में नहीं पा रहा, एक ही दो ऐसे होते हैं, चार लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे सेक्टर को बदनाम करने का काम करते हैं। हमें अपने व्यवहारों में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कभी कभी हम लोगों के पास भी आते हैं, लोग बताते हैं ऊपर के अधिकारियों को, अपने नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने व्यवहार को जनता के साथ समान हुआ लाने के लिए ही कहना चाहिए। इसकी शिकायतें भी हम लोगों के पास आती है, भले ही मैं पूर्ण रूप से अपने लोगों के बीच में जो मेरे बैंककर्मी नहीं शुद्ध रूप से अपने हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, लेकिन आप ही एक ऐसे हो जिसके माध्यम से हम समाज में संदेश दे सकते हैं। मजदूर संघ ही एक ऐसा है जो हमारी मांगें पूरी हो चाहे जो मजदूरी हो ये नहीं करता है, जो ये कहता है कि राष्ट्र हित में करेंगे काम, काम के बदले लेंगे पूरा दाम। आगे से जब भी आप लोग कार्यक्रम करिएगा तो अध्यक्ष जी से मेरा एक बात का आग्रह है कि इन सब कार्यक्रमों की चिंता उनको भी करनी चाहिए। आशय आप भी समझ गए हो, वो भी समझ गए हो। ये होना चाहिए, आपसी संबंध इस प्रकार के होने चाहिए। मितव्ययता बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी दिखावा भी बहुत जरूरी हो जाता है।
कृष्णा के आपको और सुनहरा से आपको दोनों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैंने एक बात कहा कृष्णा से अधिक तौर पर मैं नहीं कहूंगा, आपके इस कार्यक्रम के प्रति शुभकामना देता हूं कि जुलाई के सत्र के बाद जब हमारे सीनियर मिनिस्टर भी अपना आप ही साकर के सभा में शुरू कर देंगे, अभी तो सारा काम मुझे करना पड़ा है, थोड़े बहुत नीतिगत विषय होता है जो कैबिनेट का विषय होता है उसको पीयूष करते हैं, क्योंकि कैबिनेट में राज्यमंत्री के नाते में नहीं जा सकता, इस तरह कैबिनेट का विषय पीयूष करते हैं। लेकिन अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अरुण जी सब काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन जुलाई के बाद मैं आपका प्रतिनिधि रहूंगा और वित्त मंत्री से आपकी वार्ता भी कराऊंगा, और वार्ता कराने के बाद जो भी जेन्युइन बात होगी, मुझे लगता है उस पेंशन के प्रकरण पर कहीं ना कहीं हमारी अरुण जी से बात हुई थी उनकी भी सहमति है। लेकिन वित्त मंत्री की तरफ को कुछ देखना पड़ता है, यह नहीं है कि आप हर बात हम पूरी कर रहे, तो इस नाते जितना भी संभव होगा निश्चित रूप से उसको हम लोग करेंगे।